नमस्कार, मैं राजू सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। आप मजदूर सफाई कर्मचारी संयुक्त संगठन ने आज दिल्ली सफाई आयोग में दिल्ली सफाई आयोग के सदस्य रविशंकर व 17 यूनियनों के साथ मीटिंग कर आयोजन किया, जिसमें आप मजदूर सफाई कर्मचारी संयुक्त संगठन के अध्यक्ष संजीव जावा ने सफाई कर्मियों पर लगातार हो रहे शोषण को लेकर गंभीर रूप से ध्यान देने को कहा है। पिछले वर्षों से सफाई कर्मचारी काफ़ी कष्ट उठा रहे हैं और निगम की सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हमने आप मजदूर सफाई कर्मचारी संयुक्त संगठन का गठन किया ताकि हम दलित व सफाई कर्मियों की बात सरकार तक पहुंचा सके। और हमारे संगठन का समर्थन आम आदमी पार्टी को है, क्योंकि पार्टी ने सफाई कर्मचारियों के दर्द को समझा और हमें उम्मीद है अगर हम आम आदमी पार्टी लोकसभा में आती है तो जैसे ही दिल्ली में बदलाव हुआ है ऐसा ही देश भर में बदलाव होगा। रवि जी, आज की सफाई कर्मचारी आयोग में मेंबर हूं। आज जो मीटिंग रखी गई है दिल्ली सफाई आयोग में, इस मीटिंग के बारे में बताइए। आज जो मीटिंग रखी गई है, जो एक हमने संगठन तैयार करा है, उसमें जो यूनियन हमारी 17 यूनियन ने संगठन तैयार करा है, आप मजदूर संयुक्त संगठन दिल्ली प्रदेश, आज उसके सभी जो संस्थाएं हैं उनको बुला के आज मैंने उनसे विचार विमर्श किया है कि सफाई कर्मचारी और मजदूरों की आवाज को किस ढंग से और किस तरीके से रखा जाए, और उनके सुझाव मैंने मांगे हैं कि अगर आप लोगों के पास भी कोई सुझाव है तो आप सफाई कर्मचारी आयोग में दे सकते हैं, और सफाई कर्मचारी आयोग में जैसे मैं आवाज उठा रहा हूं, आप लोग भी अपने अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर उन आवाजों को इन एमसीडी में बैठी निगम बीजेपी की सरकार है, जो चेयरमैन और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, मेयर और कमिश्नर को आप अपने लेफ्ट हैंड पर वो विचार जो मैंने दिए हैं, जो सुझाव दिए और इनसे भी लिए, उनको आप अपने लेफ्ट हैंड पे भी डिमांड करें, मांग करें। सर, आप मजदूर सफाई कर्मचारी संगठन में कितने यूनियनों का समर्थन था? ये 17 थे, ये बढ़ गए थे 22, उसमें से हमने 2-3 को बाहर कर दिया कि उनके हमारे विचार नहीं मिल रहे थे। सर, आज की मीटिंग में कितने संगठनों ने आपको आज की जो संगठन में उसमें लगभग हमारे 15-16 संगठन आज आए हैं, मौजूद हुए हैं, क्योंकि हमने सिर्फ पदाधिकारियों को ही बुलाया था और नहीं तो भीड़ तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए डिसीजन करता और डिसीजन लेने वालों को ही हमने बुलाया था। सर, मेन मकसद क्या था? मेन मकसद है हमारे जो दिल्ली के सफाई कर्मचारी है और दिल्ली के जो प्राइवेट मजदूर है उनको जागरूक करना, उनके हक और अधिकारों को लड़ना, और जो लोग और जो प्रशासन जो पार्टियां इन सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रही हैं, जैसे एमसीडी के अंदर 15 सालों से निगम में बैठी बीजेपी है वो इनका शोषण कर रही है, केंद्र में बैठी जो सरकार है बीजेपी की वो भी इनका शोषण कर रही है, तो जो सरकार इनका साथ दे रही है उनका समर्थन करने के लिए, और जो पार्टियां और जो निगम पार्षद और जो लोग इनका शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफत के लिए कैसे आवाज उठाई जाए उसके विषय पर आज चर्चा हुई है, और उन सभी लोगों ने समर्थन पहले भी दिया था, आज भी दिया है, अपने सुझाव भी दिए हैं, और सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि हम अपने अपने पत्र के माध्यम से इस आवाज को उठाएंगे। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविशंकर है। रवि जी, आज की सफाई कर्मचारी आयोग में मेंबर हूं। आज जो मीटिंग रखी गई है दिल्ली सफाई आयोग में, इस मीटिंग के बारे में बताइए। आज जो मीटिंग रखी गई है, जो एक हमने संगठन तैयार करा है, उसमें जो यूनियन हमारी 17 यूनियन ने संगठन तैयार करा है, आप मजदूर संयुक्त संगठन दिल्ली प्रदेश, आज उसके सभी जो संस्थाएं हैं उनको बुला के आज मैंने उनसे विचार विमर्श किया है कि सफाई कर्मचारी और मजदूरों की आवाज को किस ढंग से और किस तरीके से रखा जाए, और उनके सुझाव मैंने मांगे हैं कि अगर आप लोगों के पास भी कोई सुझाव है तो आप सफाई कर्मचारी आयोग में दे सकते हैं, और सफाई कर्मचारी आयोग में जैसे मैं आवाज उठा रहा हूं, आप लोग भी अपने अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर उन आवाजों को इन एमसीडी में बैठी निगम बीजेपी की सरकार है, जो चेयरमैन और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, मेयर और कमिश्नर को आप अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर वो विचार जो मैंने दिए हैं, जो सुझाव दिए और इनसे भी लिए, उनको आप अपने लेफ्ट हैंड पे भी डिमांड करें, मांग करें। सर, आप मजदूर सफाई कर्मचारी संगठन में कितने यूनियनों का समर्थन था? ये 17 थे, ये बढ़ गए थे 22, उसमें से हमने 2-3 को बाहर कर दिया कि उनके हमारे विचार नहीं मिल रहे थे। सर, आज की मीटिंग में कितने संगठनों ने आपको आज की जो
संगठन में, उसमें लगभग हमारे 15-16 संगठन आज आए हैं, मौजूद हुए हैं, क्योंकि हमने सिर्फ पदाधिकारियों को ही बुलाया था और नहीं तो भीड़ तो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए डिसीजन करता जो है, डिसीजन करता, डिसीजन करता और डिसीजन लेने वालों को ही हमने बुलाया था। सर मेन मकसद क्या था? मेन मकसद है हमारे जो दिल्ली के सफाई कर्मचारी है और दिल्ली के जो प्राइवेट मजदूर है उनको जागरूक करना, उनके हक और अधिकारों को लड़ना, और जो लोग और जो प्रशासन, जो पार्टियां इन सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रही हैं, जैसे एमसीडी के अंदर 15 साल से निगम में बैठी बीजेपी है वो इनका शोषण कर रही है, केंद्र में बैठी जो सरकार है बीजेपी की वो भी इनका शोषण कर रही है, तो जो सरकार इनका साथ दे रही है उनका समर्थन करने के लिए, और जो पार्टियां और जो निगम पार्षद और जो लोग इनका शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफत के लिए कैसे आवाज उठाई है उसके विषय पर आज ये चर्चा हुई है, और उन सभी लोगों ने समर्थन पहले भी दिया था, आज भी दिया है, अपने सुझाव भी दिए हैं, और सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि हम अपने अपने पत्र के माध्यम से इस आवाज को उठाएंगे। मेरा नाम संजीव जावाज है, जो 17 संगठन है उसका मैं दिल्ली पर अध्यक्ष हूँ। आप मधु संयुक्त संगठन का? सर आज जो दिल्ली सफाई आयोग में मीटिंग रखी गई है इसके बारे में किस विषय में ये मीटिंग रखी गई है? ये पूर्णता विषय तो हमारा मजदूरों पे था, कि जो 2017 की लड़ाई माननीय अरविंद केजरीवाल ने जो विधानसभा में पास करके एलजी का फाइल भेजा किए उसे कैसे लागू किया जाए। मेन मुख्य मुद्दा तो हमारा ये है कि किसी तरह 2017 के हमारे रेगुलर किए जाए कर्मचारी जो अरविंद केजरीवाल जी ने एलजी पास फाइल भेज रखी है। सर पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि सफाई कर्मचारी अपने वेतन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार और एम्स निगम की सरकार उन पर ध्यान नहीं देती, क्या इस बारे में आपके संगठन ने कोई ठोस कार्रवाई की है या कदम उठाए हैं? नहीं, ठोस कार्रवाई की, हमने धरने प्रदर्शन भी किया, लेकिन अब हम चाह रहे हैं एक निर्णय लें कि सबसे पहले तो 2017 तक के हमारे पक्के किए जाए जो विधानसभा में पास हो चुका है, सबसे पहला कदम हमारा ये होगा। तब देखा जा रहा है कि निगम की जो सरकार है, निगम में बैठी बीजेपी सरकार बजट को लेकर ज्यादा इश्यू बनाती है, उस पर क्या विचारधारा है? विचारधारा तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी पहले से ज्यादा जो पिछली सरकारों ने पैसा नहीं दिया था वो दुगना तिगुना पैसा देने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, प्राइवेट ठेकेदारों को अपने निजी स्वार्थ के लिए उनको फंड रिलीज करके दे देती है और फिर दोष कर देती है कि दिल्ली सरकार ने, जबकि दिल्ली सरकार अपना पूरा फंड देती है लेकिन ये प्राइवेट ठेकेदारों में बांट देती है बीजेपी सरकार। आज की मीटिंग में विशेष क्या बातें रही आपकी, क्या फैसले क्या निर्णय रहे? फैसले ये रहे भाई किस तरीके से हमारे निगम एक किया जाए। पहले हमारे चल रहा है कि जो समस्या हमारी चल रही है काफी सालों से चल रही है वो जब चली है जब हमारे निगम डिवाइड हुआ है, इससे पहले हमारी कोई समस्या नहीं थी, तीन निगम जब एक थे तो हमें कोई समस्या नहीं था, हमारी सैलरी टाइम पे मिलती थी, हमें फैसिलिटी मिली जाती थी, हम टाइम पे रेगुलर हो रहे थे, लेकिन जब से तीनों हिस्से में इसको बांटा गया जब से हमें दिक्कतें आ रही है, इसलिए हमारा मकसद यही था आज की मीटिंग का कि एक डिमांड एकजुट होकर एक ही डिमांड करके तीनों एमसीडी को एक करो। सर आने वाले चुनाव को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे सरकार से, किस तरह की उम्मीद रखना चाहेंगे या किस पार्टी को आपका संगठन समर्थन देना चाहेगा? सर पूर्णतः हमारा संगठन जो है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि उसके नाम से हमने संगठन तैयार किया है, बीजेपी का भी संगठन काम कर रहा है एमसीडी के अंदर, कांग्रेस का भी कर रहा है, तो आम आदमी पार्टी का संगठन नहीं था, लेकिन फिर हम लोगों से मीटिंग हुई कि क्यों ना हमारा आम आदमी पार्टी का भी संगठन होना चाहिए, क्योंकि 17 तक की लड़ाई पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने छेड़ी है, इससे पहले किसी सरकार ने ऐसी डिमांड नहीं रखी, इसलिए पूर्णतः समर्थन आम आदमी पार्टी को रहेगा और हम चाहेंगे कि दिल्ली की 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीते। पेश है दिल्ली से इरफान खान की खास रिपोर्ट।